पाकिस्तानी आर्टिस्ट एक्टर अगर भारत में काम करेंगे तो उनकी टांग तोड़ देंगे। राज ठाकरे की एमएनएस ने एक बार फिर से धमकी दी है। राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तेवर एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ तीखे नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच का कड़ा विरोध किया है, तो वहीं एमएनएस सीने विंग के अध्यक्ष ने कहा है कि पाकिस्तान आर्टिस्ट भारत में आकर अगर बॉलीवुड या किसी भी भारतीय फिल्म या सीरीज में काम करेंगे तो हम उनकी टांगे तोड़ देंगे। अमय खोपकर ने ये धमकी ट्वीट करके दी है। उनके इस ट्वीट से अचानक एक बार फिर भारत में पाकिस्तान कलाकारों को आकर काम करने की छूट देने का मामला गर्मा गया है। कुछ लोग भले ही पाकिस्तान के आतंकी हमलों को भूल चुके हैं, लेकिन हम नहीं भूले हैं, अमय खोपकर ने कहा है। और मराठी में किए गए इस ट्वीट में अमय खोपकर ने यह भी कहा है कि लोग भूले तो भूले, हम नहीं भूल सके, हम भूल सकते भी नहीं। हमारा सिर्फ पाकिस्तान खिलाड़ियों का ही नहीं, पाकिस्तान कलाकारों का भी विरोध कायम है। हम ये याद दिलाना चाहते हैं, पाक कलाकार भारतीय सिनेमा में अगर काम करते हैं तो हम उनकी टांगे तोड़कर हाथ में दे देंगे। अंजाम जो होगा उसकी जिम्मेदारी संबंधित निर्माताओं की होगी। अमय खोपकर के इस ट्वीट से को कई लोग लाइक कर रहे हैं, तो कई लोगों ने फिर वही बहस शुरू कर दी है कि कला और क्रिकेट राजनीति से दूर रखी जानी चाहिए।